छोटे छोटे सीढ़ीदार खेत। मेरे पहाड़ में कहावत भी है कि लोग खेती के लिए पशुपालन करते हैं और पशुओं को पालने के लिए खेती करते हैं। यही पीड़ा थी कि लोगों ने 40 साल पहले से अपने खेतों में रासायनिक खाद डालना शुरू किया, जिससे यहाँ का जैविक उत्पादन नष्ट हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज जैविक खाने की मांग बढ़ी है, लेकिन पर यहाँ जैविक उत्पादन की संभावनाएं बहुत कम है। ऐसा क्यों है ये दिखाने के लिए मैं लक्ष्मी नौटियाल ले चलती हूँ आपको अपने गांव उत्तराखंड के कुछ गांव में। आप कहाँ से लाते हैं यूरिया? घर से। घास में क्यों लाते हैं? घास में? हाँ, घास उससे बड़ा होता है तो उससे क्या होता है, आपको फायदा मिलता है कुछ? फायदा मिलता है क्या? फायदा बड़ा होता है ना, अगर यूरिया नहीं डालेंगे तो छोटा होगा। मेरे पीछे जो ये घास है इसमें यूरिया डाला जाता है ताकि उसके पौधे बड़े हों, और उसके नीचे खेत हैं जिसमें कि ये यूरिया बह के जाता है, और जिसमें जैविक खेती की सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। कब से आ रहे हैं आप? ये स्कूल आए होंगे, वो जो होता ना एग्रीकल्चर जो कृषि जो, हाँ तो वही तो लाए होगा। कम से कम एक परिवार को कितना मिल जाता है, कितना देते हैं? मन चाहे जो जितना ले सकता है, जिसकी कोई वो नहीं। जितने खेत है या ये एकड़ या क्षेत्रफल या कोई बीघा से कोई मतलब नहीं। बाजार में जैविक उत्पादनों की मांग भी बड़ी है, जिसके चलते हर कोई किसान जैविक उत्पादन का ठप्पा लगाकर अपने उत्पाद बाजार में उतार रहा है। पर क्या वास्तव में उत्पाद जैविक हैं? इस पर सरकार का ही सहकारिता विभाग सवालिया निशान लगा देता है। ये जो जैविक कृषि कार्यक्रम है कब से चल रहा है? ये जैविक कृषि कार्यक्रम हमारे यहाँ 2008 से चल रहा है। ब्लॉक में कितने गांव जैविक जैविक खेती है? अभी 12 गांवों का चयन है हमारा इसमें। और कितनी नाली भूमि पर जैविक खेती हो रही है अभी? जैविक खेती अभी हमारी 500 हेक्टेयर हो रही है। कितने खेतों की मिट्टी परीक्षण हुआ है, मिट्टी का परीक्षण हुआ है? मिट्टी परीक्षण इस साल में हमारा लगभग यहाँ पे 375 नमूने गए हैं। आप इसमें यूरिया डालते हैं कि गोबर? गोबर डालते हैं। उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है, जिसका असर खेती, पशु और इंसान सब पे पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ जैविक खेती हो ताकि लोगों का स्वास्थ्य सही रहे। इसके लिए आप भी हमारा सहयोग कर सकते हैं और उत्तराखंड कृषि मंत्री हरक सिंह रावत को कॉल करें। इंडिया अनहर्ड के लिए गैरसैन उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी नौटियाल।